بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محترم स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाइयों बेटों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। मैं जलसे के शुरू होने से पहले ही आ गई इसलिए कि मुझे और जगहों पे जाना है और आज आखिरी दिन है तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं सारी जगहों पर अपनी मौजूदगी को लाजमी करूं। इस वजह से मैंने आपसे पहले वक्त मांगा और बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे वक्त दे दिया और मेरी बात सुनने के लिए आप इकट्ठे हो गए। मैं तकरीरें करनी खत्म कर चुकी हूं। तकरीरें करने का एक वक्त होता है, वो वक्त खत्म हो जाए तो तकरीरें भी खत्म हो जाती हैं। जहन पे बैठे हुए खुदा की राह में चलते हुए अब मैं उस जगह पर हूं, वहां हूं जहां मुझे इस दुनिया की फिक्र कम और अपनी और आपकी आकबत की फिक्र ज्यादा। मैं ये नहीं चाहती कि आपसे नारे लगवाऊं पार्टियों के, मैं ये चाहती हूं कि नारे लगवाऊं आपसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वो नारे जो आपको और मुझे रोजे कियामत पाक कर दे। और मैं ये मानती हूं नवाज शरीफ, मैं ये नहीं मानती तेरी बात कि जो भगवान है पत्थर का वो खुदा है मुसलमानों का, नहीं। हमारा खुदा वो है जो वाहदा उला शरीक है, जो आसमानों पे ऊपर रहता है और जिसको किसी ने नहीं देखा सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इससे बात कोई नहीं कर सकता सिवाय हजरत मूसा अलैहि सलाम के। तो मैं कैसे मान लूं कि भगवान पत्थर का हमारा खुदा है, वो भगवान कहते हैं हम खुदा कहते हैं। ये तालीम दे रहा है वो इस मुल्क को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के नाम पर बना, इसको छोड़ दे। वोट सिर्फ दुनियावी चीज नहीं है मेरे बच्चों, वोट का हिसाब है। एक एक सांस, एक एक बात, एक एक कदम का हिसाब देना है हमने खुदा को, तो कैसे हमने पर्चियां लगा के मोरे मार के जो हमने संदूकड़ियों में डाल दी उसका हिसाब नहीं है? उसका भी हिसाब है। और हिसाब जब आप देखने लगो तो देखो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जो उनके पसंदीदा थे, जो उनकी पुश्त मुबारक पर बैठ जाते थे, हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम, उन्होंने यजीद काफर नहीं था, मुसलमान था, लेकिन यजीद फासिक व फाजिर था, जालिम था। इसलिए हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने शहीद कर दिया अपना खानदान, लेकिन उनको वोट नहीं दिया, बैत नहीं की। उस जमाने में वोट को बैत कहते थे। मैं यहां आपसे इस मुल्क की बात भी कर लेना चाहती हूं। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मुल्क बनाया, तकरीरें करते थे कायदे आजम मुसलमानों के आगे, तो उर्दू बोलना नहीं जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे, अंग्रेजी में तकरीरें करते थे। जब अंग्रेजी में तकरीरें कर रहे थे तो एक आदमी जो पाकिस्तान में आया बाद में, वो बहुत जोर जोर से नारे लगा रहा था कायदे आजम के और मुबारक दे रहा था उनको कामयाबी की, तो एक अंग्रेज ने उससे पूछा क्या तुम्हें समझ आ रही है कि कायदे आजम क्या कह रहा है अंग्रेजी में जो तुम इतने नारे लगा रहे हो? उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रही। तो उसने कहा फिर नारे क्यों लगा रहे हो? उसने कहा इसलिए लगा रहा हूं कि कायदे आजम जो कहता है वो सच है, वो हक है, जो मुसलमान है उनका वतन बनना चाहिए, खुदावंद ताला का मुकाम वही है जो कायदे आजम कहते हैं। जब ये नारा लगाया उसने तो मैंने फिर देखा और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि 20 साल इमरान खान अकेला चलता रहा और फिर वो लेके गया नवाज शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट में पनामा का। आपके इलम में नहीं है
लेकिन नवाज शरीफ अपने बच्चों के साथ मिलकर इस मुल्क की माल और दौलत को खा गया है। लूट कर खा गया है। आज ये मुल्क और हम गरीब हैं। एक किलो टमाटर लेने के लिए एक बंदे की दिहाड़ी लग जाती है और नवाज शरीफ के पास इतना पैसा है इस मुल्क का लूटा हुआ कि जिसकी इंतहा नहीं है। उसने बाहर के मुल्क में अरबों खरबों रुपयों के तो बंगले बना रखे हैं। कहां से उसके पास ये पैसा लाया? वो एक फैक्ट्री का मालिक था और कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन उसने बैंकों से कर्जे लिए, लूटा और फिर वो कर्जों को उसने माफ कर दिया। मैं कहती हूँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को लूटा है, अवाम को लूटा है, तो हम एक लूटने वाले फासिक और फाजिर को वोट क्यों दे? आपको मैं ये नहीं कहती कि आप उसको तलवारें चलाएं, बंदूकें चलाएं, उसको जान से मारें, लेकिन आप उसको रद्द करें जैसे हजरत इमाम हुसैन अलैह सलाम ने रद्द किया यजीद को। आप रद्द करें नवाज शरीफ को वोटों से और वोट इमरान खान को दें, जिसके जिम्मे एक छोटा पैसा फ्रॉड का नहीं है, जिस जो अस्पताल बनाता है तो लोग उसको चंदा देते हैं तो वो अस्पताल बनाता है और मुफ्त गरीबों का इलाज करता है। और मैं कह